लग तो ऐसे ही रहा है सर कि बोर्ड क्या क्या लगता है भाई तुम्हें कि क्या कोई इस दुनिया में कोई तुम्हारा सामना कर सकता है क्या? हां सर, लगता है कि जब मैं ये खेलता हूं राइटिंग एंड आईटी या ट्रिपल आईटी फॉर्म से आउट ऑफ नियर अबाउट 300 दिस वर्ल्ड, क्योंकि 300 स्टूडेंट में से इतने स्टूडेंट्स को आईआईटी एनआईटी पहुंचाना अपने आप में मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। स्वागत है आपका हमारे एक्सपर्ट जेई नीट सीकर के अंदर। आज हम फिर से कोटिल्या आईआईटी जेई एकेडमी का कैंपस टूर करने आए हैं, क्योंकि अभी चल रहा है एडमिशन का टाइम। एडमिशन के टाइम स्टूडेंट्स को चाहिए कि सर किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस होती है एंड पिछले साल का क्या रिजल्ट रहा और कितनी कोचिंग्स के अंदर अभी भीड़ हो रही है। तो आज हम अभी कैंपस टूर करेंगे, लाइव क्लास के अंदर भी जाएंगे, तो अंदर चलकर देखते हैं। तो चलिए अभी हमारे साथ हैं चंदन सर जो कि फिजिक्स के फैकल्टी हैं कोटिल्या आईआईटी जेई एकेडमी के अंदर। तो अभी हम जानते हैं सर से कि जो कोटिल्या का पिछले साल का और इस साल का जो रिजल्ट रहा है तो किस बेस पे रहा है? कोटिल्या आईआईटी एकेडमी का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है संदेश। अगर अब हम पिछले साल की बात करें 2023 वाले सेशन की, तो उसमें लगभग ये मान लीजिए आप 80 से 85 बच्चा जो है 80 to 85 जो स्टूडेंट्स हैं वो आईआईटी एनआईटी या ट्रिपल आईटी पहुंचे हैं आउट ऑफ नियर अबाउट 300 दिस वर्ल्ड, क्योंकि 300 स्टूडेंट में से इतने स्टूडेंट्स को आईआईटी एनआईटी पहुंचाना अपने आप मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। और अगर अपन इस साल के रिजल्ट की बात करें तो अभी तो अप्रैल अटेम्प्ट होना है जेई मेंस का, लेकिन अगर जनवरी अटेम्प्ट की बात करें तो नतीजे बहुत शानदार रहे हैं अपने। जो लगभग अगर अपन बात करें तो 6 स्टूडेंट्स जो है वो 99.5 परसेंटाइल से ऊपर हुए हैं, और 99 परसेंटाइल से ऊपर की बात करें तो 18 स्टूडेंट्स हैं, और लगभग 142 स्टूडेंट्स के आसपास जो है वो 95 परसेंटाइल के आसपास है। इसका मतलब कि हमें ये पता है कि पिछले कई सालों के पैटर्न के हिसाब से अगर अपन बात करें तो 95 परसेंटाइल के आसपास के बच्चे को आईआईटी मिल जाती है। और अभी तो अप्रैल अटेम्प्ट और बाकी है, तो इस बार और उम्मीद है कि करीब हमारे पास लगभग 190-195 बच्चा जो होगा वो आईटी एनआईटी पहुंच रहा होगा, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि 95% से ऊपर होंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो ये हमारे इस साल का रिजल्ट रहा है अभी तक जेई मेंस की अगर अपन बात करें जनवरी अटैक। कोटिल्या स्टूडेंट्स के लिए कुछ अलग से क्या कर रहे हैं? वैसे तो हर एक स्टूडेंट अपने आप में यूनिक होता है, लेकिन अगर अपन बात करें तो कोटिल्या आईटी एकेडमी में एक ये है कि कम स्टूडेंट्स पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कम रहते हैं पर क्लास, उस हिसाब से इंडिविजुअल फोकस अटेंशन ज्यादा है। बट फिर भी अगर अपन बात करें तो एवरेज बच्चे को हम कोशिश करते हैं कि उसको रैंक दिलाएं, और जिस बच्चे का सिलेक्शन वाला होता है उसको हम कोशिश करते हैं उसको और अच्छी रैंक प्रोड्यूस की जाए, इस हिसाब से मेहनत की जाती है। और मतलब कि दिन भर जो पूरी फैकल्टी टीम है यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक अवेलेबल रहती है, क्लासेस के अलावा भी जो फैकल्टीज क्लासरूम्स में पढ़ा रही है वही सारी की सारी डाउट्स पर अवेलेबल है। तो उस हिसाब से सारी मेहनत मतलब कि बच्चे को फोकस में रख के, बच्चे के रिजल्ट को ध्यान में रख करके उस पर उसी हिसाब से मेहनत की जाती है। तो सर कोटिल्या का सिलेक्शन रेशो क्या है? सिलेक्शन रेशो जैसे कि समझे अगर अपन पिछले साल की बात करें तो मैंने कहा है लगभग 290 से 300 स्टूडेंट में से 85-80 के आसपास स्टूडेंट्स हमें आईआईटी एनआईटी भेजे हैं, इसका मतलब ये रेशो अपने आप में बहुत शानदार है। और इस साल अगर अपन बात करें तो आउट ऑफ अभी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं नियरली 600 के आसपास जो एग्जाम अपियर होंगे, उनमें से लगभग 190-195 स्टूडेंट्स आईआईटी एनआईटी या ट्रिपल आईटी जा रहे होंगे। आई थिंक हर तीसरा या हर चौथा बच्चा आप बोल सकते हो कि आईआईटी एनआईटी या ट्रिपल आईटी पहुंचा। अभी क्लास के अंदर रणवा सर पढ़ा रहे हैं जो कि 12th का बैच है, रिसेंटली जो 11th में थे वो 12th में आ गए हैं, तो अपन अंदर चल के रेड मारते हैं क्लास के अंदर। ये तो नहीं सर, हम तो रेड मारने हैं सर क्लास के अंदर की मजे कर रहे हो या पढ़ा रहे हो आप? लग तो ऐसे ही रहे सर कि बोर्ड तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड भेजूंगा
था कोटिले के अंदर स्टूडेंट्स की जो पर्सनल केयरिंग है उससे रिलेटिव क्या काम करते हैं? तो पर्सनल केयर जो बच्चा आईआईटी या मेडिकल की प्रिपरेशन करने के लिए आता है तो उसको 100% पर्सनल केयर की रिक्वायरमेंट होती है। जिस बच्चे को पर्सनल केयर नहीं मिल पाती है वो समय के साथ धीरे धीरे बैक हो जाता है और अपने कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएगा। हम बच्चे को बोझ कर लेते हैं कि ये बच्चा किस कैटेगरी में चलता है, कहाँ डिजर्व कर रहा है। जैसे ही उसका टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद में सब्जेक्ट टीचर से काउंसलिंग करवाना, यहाँ पर जो है मैं भी खुद भी उसकी काउंसलिंग करता हूँ और उसको वार्डन के थ्रू वॉच करते हैं कि बच्चा कितने घंटे पढ़ रहे हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर नेक्स्ट टेस्ट जब आपका होगा उसके बाद में पता लग जाएगा कि बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट है। तो सर रिजल्ट पे कैसा क्या फोकस रहता है यहाँ? क्वार्टरली आईआईटी एकेडमी रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करती ही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये 2024 जनवरी अटेम्प्ट के आंकड़े बोलते हैं। वो बच्चा जो वास्तव में डिजर्व कर रहा था रिजल्ट के लिए, हमने उस एक एक बच्चे को फोकस किया है और यही कारण है कि 621 बच्चों में से 95% से ऊपर 142 बच्चे देकर के सीकर शहर का रिजल्ट आया है। यहाँ पर कोई भी कोचिंग स्टूड स्टैंड नहीं करता है। थैंक्स टू कौटिल्या टीम फॉर हेल्पिंग अस डिस्कवर अवर स्ट्रेंथ, ओवरकम अवर वीकनेसेस।